हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जागृति। सो अभी तक हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन, मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्पेशलाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ये सब डील कर चुके हैं। तो आज हमारे पास लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो चलिए, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम जनरली डील करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज ए बैरियर, ट्रांसपोर्टेशन में कैसा रोल होता है, स्पेशली हम पढ़ने वाले हैं एंडोसाइटोसिस के बारे में। ओके, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज अ बैरियर, बैरियर मतलब एक बाधा जैसी बनती है वो, आप कुछ भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली क्रॉस नहीं कर सकता है। ओके, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल एज इट क्रिएट अ बैरियर बिटवीन इंटरनल एंड द एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ द सेल। वो सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कैसे, क्योंकि वो सेल के इंटरनल अंदर का जो एनवायरनमेंट है और सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है, उन दोनों को क्या कर देता है, उन दोनों के बीच में ऐसे बैरियर क्रिएट करता है। इससे क्या होता है, इट इज हेल्पफुल इन कीपिंग अवे द पैथोजन एंड द हार्मफुल टॉक्सिन्स फ्रॉम द सेल। जो पैथोजेंस हैं, ऐसी ऐसे प्रोटीन्स हैं या जो बाहर से आना, कोई भी हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं जिनको सेल में एंटर करना आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, उनको क्या करता है, अब प्रिवेंट करता है सेल के अंदर एंटर करने से। एज इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इट डज नॉट अलाउ ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल टू एंटर एंटर द सेल। तो एक बात हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में स्टार्टिंग से पता है कि इट इज ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल है, मॉलिक्यूल्स को अपने अक्रॉस जाने देती है, बट नॉट ऑल, इट इज सिलेक्टिवली, वो सिलेक्टिवली कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगी कि वो सेल्स के अंदर क्या कर सके, एंटर कर सके। ओके, नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन में कैसा रोल करते हैं। इंस्टेड ऑफ एक्टिंग एज अ बैरियर, सेल मेम्ब्रेन आल्सो सिलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स एंड आयंस फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। एज अ बैरियर वो वर्क करती है, लेकिन इसके अलावा वो ऐसे मॉलिक्यूल्स और ऐसे आयंस का ट्रांसपोर्टेशन करने में क्या है, कैपेबल है, उसको प्रोवाइड कराती है मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन जो जिनकी रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट में हम दो तरीके की ट्रांसपोर्ट देखेंगे, एक देखेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा एक्टिव। पैसिव के अंदर भी हम पढ़ने वाले हैं ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो चलिए, सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसा ट्रांसपोर्ट होगा जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपके एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। तो सबसे पहली बात, पैसिव ट्रांसपोर्ट माइंड में स्ट्राइक करते ही यही आनी चाहिए कि उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो मेटाबॉलिक एनर्जी है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट इसमें ये होता है कि मॉलिक्यूल्स हमेशा हाई कंसेंट्रेशन वाले रीजन से लो कंसेंट्रेशन वाले रीजन पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ऑस्मोसिस डील करते हैं सबसे पहले। ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर का डिफ्यूजन। ओके, इट इज डिफाइंड एज अ डिफ्यूजन ऑफ वाटर और अदर सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सिलेक्टिवली नहीं है, ओके, द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। ओके, ऑस्मोसिस इज अ बायोफिजिकल सिस्टम इन विच सेल ऑफ फ्लूइड कंपार्टमेंट आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस एक बायोफिजिकल सिस्टम है जिसमें सेल्स के जो फ्लूइड कंपार्टमेंट हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या रहते हैं, सेपरेट रहते हैं। ऑस्मोसिस डिस्क्राइब द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या आप ऑस्मोसिस को एक डिफ्यूजन का प्रोसेस भी कह सकते हैं जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के लिए के थ्रू हो रहा है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जब डिफ्यूजन हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन का होना इज नॉट नेसेसरी, ऑल्दो अक्रॉस द मेम्ब्रेन डिफ्यूजन भी हो सकता है, लेकिन बिना मेम्ब्रेन के भी डिफ्यूजन होता है। ओके, इन दिस सॉल्यूट कैन नॉट क्रॉस द बैरियर। और ऑस्मोसिस में हमें बात याद रखनी है कि यहाँ या तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डिफ्यूज करते हैं या यहाँ पे वाटर, आपका इसमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन नहीं हो सकता। अब जैसे आप ये वाला डायग्राम देखिए, ये जो यहाँ पे इमेज बनाया गया है, इसमें ये जो येलो है, दीज आर सम पार्टिकल्स। ओके, दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये जो यहाँ पे बीच मेम्ब्रेन में आया गया है, और इस साइड भी येलो मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो येलो मॉलिक्यूल्स है, इसका कंसेंट्रेशन ए साइड में ज्यादा है, सॉरी कम है, और बी साइड में ज्यादा है। तो एक तरीके से जो ये, क्योंकि पार्टिकल्स है, मान लीजिए दीज आर सॉल्यूट। ओके, तो अगर ए साइड सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन हाई है, इट मीन्स यहाँ पे वाटर का कंसेंट्रेशन, सॉरी सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन लो है। ओके, सॉल्यूट कंपैरेटिवली, ए और बी बॉक्स के कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का कंसेंट्रेशन लो है, इट मींस यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे।
बी वाले में देखिए, ए के कंपैरिजन में यहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, इट मींस वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या होने वाले हैं, कम होने वाले हैं कंपैरेटिवली. ओके, तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, इट इज अ डिफ्यूजन ऑफ वाटर. सॉल्यूट का डिफ्यूजन नहीं हो रहा है, वाटर का. तो मूवमेंट क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करेंगे. तो आप ध्यान देंगे कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे ऑस्मोसिस का कंडीशन पूछा जा रहा है या आपसे डिफ्यूजन पूछा जा रहा है. देखिए, डिफ्यूजन लिक्विड के केस में भी होता है और गैसीय स्टेज में भी होता है, बट ऑस्मोसिस करते समय आपको ये ध्यान देना है कि ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल्स का ही ट्रांसपोर्टेशन होता है. ओके, वॉटर द यूजुअल सॉल्वेंट इन द बायोलॉजिक सिस्टम माइग्रेट फ्रॉम द कंपार्टमेंट विद लोअर कंसेंट्रेशन टू द कंपार्टमेंट विद द हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. देखिए क्या बोला गया है, वॉटर एक जो सिस्टम है आपका, जो सॉल्व बायोलॉजिक सिस्टम का जनरली एक सॉल्वेंट है, इसमें क्या हो रहा है, वॉटर मॉलिक्यूल्स अपना लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन जो ए में है वहां से हाई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन वाले चैम्बर के टुवर्ड्स क्या करेंगे, मूव करेंगे. ओके, क्योंकि वाटर का कंसेंट्रेशन ए में ज्यादा है और बी में कम है. नाउ द माइग्रेशन एंड व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑस्मोटिक एक्टिव मॉलिक्यूल बिकम इक्वल इन बोथ कंपार्टमेंट. अब यहाँ पे ऑस्मोसिस कभी तो रुकेगा या माइग्रेशन कभी तो स्टॉप होगा, कब होगा, जब यहाँ जितना ऑस्मोटिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या है यहाँ पे, वाटर मॉलिक्यूल्स है इस केस में, तो जितने वाटर मॉलिक्यूल्स ए में है उतने ही बी में प्रेजेंट हो जाएंगे कंपैरेटिवली, क्योंकि यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा हैं सॉल्यूट के, तो दोनों के कंपैरेटिवली जब दोनों में सेम हो जाएंगे तब ये क्या हो जाएगा आपका, ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाएगा. ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. देखिए, ऑस्मोसिस यहाँ से यहाँ मूवमेंट हो रहा है, राइट, तो आप या ले वाटर मॉलिक्यूल्स पे कितना प्रेशर लगाएंगे कि ये पानी यहाँ से इधर ना आ सके. आप समझ रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है, अमाउंट ऑफ फोर्स है जो आप अप्लाई करेंगे ताकि वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ना हो सके. तो क्योंकि अभी अगर ऑस्मोसिस के देखें तो वाटर मॉलिक्यूल्स ए से बी की टूवर्ड्स ट्रेवल कर रहा है, राइट, तो आप बी में ये वाले पोर्शन में कितना फोर्स अप्लाइड करेंगे कि जो यहाँ के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ ट्रेवल ना करें, तो इसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं. ओके, नेक्स्ट है आपका सिंपल डिफ्यूजर. इट इज अ प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस डिफ्यूज थ्रू ए सेमी परमेबल मैम्ब्रेन अलोंग देयर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट असिस्टेंस ऑफ एनी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन. यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है अलोंग द सेमी परमेबल मैम्ब्रेन बिना किसी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के. तो ये प्रोसेस भी कैसी है, पैसिव है, इट मीन्स इट डज नॉट रिक्वायर एनी मेटाबॉलिक एनर्जी, राइट, और इसके अलावा ये अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है, दैट इज इट विल ऑलवेज टेक फ्रॉम द हाई कंसेंट्रेशन रीजन टू अ रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन. ओके, द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अकर्स व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, एटम और आयन टाइप डिफर अक्रॉस द सेमी मेम्ब्रेन दैट इज परमेबल टू इट. क्या कहा गया है कि मान लीजिए इस केस को कंसिडर किए कि ए साइड है, दिस इज बी साइड है, दोनों साइड सेम मॉलिक्यूल्स है और इनके बीच में एक मेम्ब्रेन है, ऐसी मेम्ब्रेन है जो ये रेड सॉल्यूट पार्टिकल्स के लिए क्या है, परमेबल है. इट मीन्स कि वो रेड सॉल्यूट पार्टिकल का ट्रांसपोर्टेशन अपने अक्रॉस अलाउ करेगा. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए रेड वाले मॉलिक्यूल्स किस साइड ज्यादा है, ए वाले पोर्शन में, तो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन इस डायरेक्शन में होगा फ्रॉम ए टू बी. ओके, द मॉलिक्यूल्स फ्लो अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम द साइड ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द साइड ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन टिल द इक्विलिब्रियम रीच्ड. ये मॉलिक्यूल्स रेड वाले मॉलिक्यूल्स बी वाले पोर्शन में तब तक मूव करते रहेंगे जब तक ए साइड और बी साइड नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए. ठीक है, हाउएवर इट मे बी पॉसिबल दैट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम वन साइड टू अदर बट नॉट द नेट मूवमेंट विल बी जीरो. देखिए, हो सकता है कि ड्यू टू सम कंडीशंस ऐसा करे कि कुछ मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इक्विलिब्रियम रीच करने के बाद, यहाँ देखिए. ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मान लीजिए ओके, क्या डिफ्यूजन स्टॉप हो गया, हमें नेट जीरो दिखेगा, मतलब मान लीजिए यहाँ पे भी सेम सेम मॉलिक्यूल्स हैं जितने यहाँ है, स्टार्टिंग में यहाँ 10 थे और यहाँ भी 10 मान लीजिए. ओके, नाउ उसके हो रहा है यहाँ से दो मॉलिक्यूल्स इधर जा रहे हैं, तो क्या होगा, चेंज नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ से भी दो पार्टिकल मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, तो जो नेट नेट कंसेंट्रेशन होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा,
पहले भी 10 थे, अभी भी 10 थे, तो इक्विलिब्रियम के बाद यही सिचुएशन काम करता है. ओके, दिस प्रोसेस इज पैसिव, हेंस डू नॉट रिक्वायर्ड एनी एनर्जी टू बी टेक प्लेस. क्योंकि ये प्रोसेस पैसिव है, इसीलिए इसको करने के लिए कोई भी एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होता. तो ऐसे फैक्टर्स जो सिंपल डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर. टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर से मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है. ओके, तो डिफ्यूजन जल्दी हो जाएगा. अच्छा, आपने देखा होगा कि गर्म खाने की खुशबू आपको जल्दी आती है, जबकि फ्रिज में रखा हुआ खाना या रेफ्रिजरेटेड करा हुआ खाना उसकी खुशबू नहीं आती. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हाई है गर्म खाने में, जो मॉलिक्यूल्स है वहां पर टेम्परेचर है, तो उनका अच्छा खासा काइनेटिक एनर्जी होता है, दे विल स्प्रेड क्विकली. ओके, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मैटर करता है ऑब्वियसली, जहां मॉलिक्यूल ज्यादा है कम है, दैट्स अ पॉइंट. थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, दिस ऑल्सो मैटर. अगर ये मेम्ब्रेन पतली है तो डिफ्यूजन इजिली होगा, अगर ये मेम्ब्रेन मोटी है तो डिफ्यूजन होने में टाइम लगेगा. डिफ्यूजन का डिस्टेंस, ये भी मैटर करता है, आपको कितने छोटे अगर छोटे से स्पेस में जल्दी डिफ्यूजन होगा, और वही स्पेस अगर बड़ा कर दिया जाए तो डिफ्यूजन कम होगा. जैसे मान लीजिए आपके किचन में खाना बन रहा है, तो किचन में ही उस खाने की खुशबू जल्दी फैलेगी, लेकिन अगर आप बाहर है अपने, तो उस खुशबू को बाहर तक पहुंचने में टाइम लगेगा. ओके, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स भी मैटर करता है. जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जिनका साइज छोटा है, वो इजिली डिफ्यूज आउट कर जाता है कंपेरिजन टू लार्ज साइज मॉलिक्यूल. ओके, एग्जाम्पल देखें, गैसेस का डिफ्यूजन, जो एक्सचेंज का डिफ्यूजन, आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ह्यूमन बींग्स के अक्रॉस द एल्वेलर मेम्ब्रेन, जो एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, CO2 का कंसेंट्रेशन, ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन, ये एक्सचेंज होते हैं इस तरीके से. ओके, मैंने शायद फिर लिख दिया. परफ्यूम आप डालते हैं और पूरे कमरे में महक जाता है. ओके, फ्रेग्रेंस ऑफ इंसेंस स्टिक, आप धूप जलाते हैं एक कोने में रखेंगे और पूरा उसका जो फ्रेग्रेंस होता है वो ऑल ओवर द एनवायरमेंट. कुकिंग ऑफ फूड, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिंपल डिफ्यूजन. नाउ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन जैसा ही है, अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट ही होगा, बट इट हेल्प, इट इज अ कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट. मतलब यहाँ पे कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, कोई प्रोटीन्स होंगे, जो उन जो पार्टिकल्स हैं जिनको क्रॉस करना है उनको अपने से जाने के लिए देंगे. ओके, सबसे पहले कैरियर समझते हैं, क्योंकि पहले ही लाइन में लिखा है इट इज अ कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन. तो कैरियर मतलब समझ में आना चाहिए यहाँ पे. कैरियर्स आर द मैम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. ये मैम्ब्रेन या ऐसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं विच इनेबल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इन अ पर्टिकुलर फॉर द स्मॉल हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस कैरियर कॉम्प्लेक्स. ये ऐसे मॉलिक्यूल जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स है ना, उनको क्रॉस करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जो मैम्ब्रेन है उसके बीच वाला पोर्शन में हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक रीजन है, तो हाइड्रोफोबिक रीजन को कैसे क्रॉस करेगा, मतलब राइट, जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोफोबिक रीजन को कैसे क्रॉस करेंगे, इसीलिए कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं. द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन द डिफरेंट कंपार्टमेंट. इसके बीच भी, क्योंकि ये एक पैसिव प्रोसेस है, एनर्जी रिक्वायरमेंट तो है नहीं, तो यहाँ पे भी ऑब्वियस है कि जो ड्राइविंग फोर्स इस प्रोसेस को करवा रहा है वो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है. इट इज सिमिलर टू पैसिव डिफ्यूजन विद द एक्सेप्शन दैट कैरियर प्रोटीन्स एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन बाय लेयर फैसिलिट द ट्रांसफर ऑफ केमिकल अक्रॉस द मेम्ब्रेन. देखिए, फैसिलिटेड डिफ्यूजन और डिफ्यूजन, दे बोथ आर सेम, ये पूरे सेम है, बस एक चीज का डिफरेंस है कि यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन्स होंगे, ऐसे प्रोटीन्स जो मॉलिक्यूल्स को बाहर से उठा के अंदर ले जाएंगे. ओके, सिमिलर टू पैसिव डिफ्यूजन इन दिस मूवमेंट ऑफ केमिकल अक्रॉस मेम्ब्रेन इज फ्रॉम साइड ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू द साइड ऑफ लो कंसेंट्रेशन विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ सेल एनर्जी. एनर्जी का कोई यूज नहीं होता है मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन में. इट इज समवट स्पेसिफिक टू केमिकल्स दैट आर एबल टू बाइंड टू कैरियर प्रोटीन. ओके, अब ऐसा नहीं है कि किसी भी मॉलिक्यूल का यह यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कर देगा. आपको बात याद रखनी है कि ये मॉलिक्यूल्स इस कैरियर से बाइंड होने की क्षमता रखनी चाहिए. ओके, इन दोनों के बीच में बाइंडिंग होनी जरूरी है, तभी ये जो रेड वाला यहाँ पे कैरियर प्रोटीन बनाया है, ये पर्पल वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अंदर भेज सकता है. एग्जाम्पल देखिए, जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इसी प्रोसेस के थ्रू होता है. ओके, क्योंकि ग्लूकोज दे आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर, अगर उसे सेल के अंदर जाना है तो दे हैव टू यूज दैट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मेथड. ओके, उसके अलावा ये देखिए इन ओके, ये कैरियर प्रोटीन्स का नाम भी होता है. जैसे ग्लूकोज को आपका फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाले जो प्रोटीन, जो ग्लूकोज का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कह करवा रहे हैं, उसे ग्लूट बोलते हैं. एंड दे आर 12 मेम्ब्रेन स्पैनिंग सेगमेंट, मतलब कि मेम्ब्रेन में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर इसमें ग्लूट है तो वो इस मेम्ब्रेन को 12 बार स्पैन करेगा. ओके, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है.
नाउ द लास्ट वन इज एंडोसाइटोसिस। ये थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्योंकि हम इसमें लाइक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। एंडोसाइटोसिस इज द इम्पोर्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स बाय द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस एंड केव्युलर इंटरनलाइजेशन। देखिए एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, बाहर से चीजें अंदर आती हैं, जो एक्स्ट्रा मैक्रोमोलिक्यूल्स है ना, दैट आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, उनको बाहर से अंदर लाया जाता है सेल के विद द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस, जिसे हम सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस कहते हैं, फैगोसाइटोसिस दैट इज सेल ईटिंग प्रोसेस, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस ऐसी एंडोसाइटोसिस जो रिसेप्टर की हेल्प से हो रही है, और केव्युलर इंटरनलाइजेशन जिसमें केव्युली का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स बिकम इंट्रैप्ड इन द इनवेजाइनेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इवेंचुअली पिंच ऑफ एंड फॉर्म द वेसिकल विद इन द साइटोप्लाज्म। ओके कुछ चीजें कॉमन इसमें हो क्या रहा है, जैसे ये मान लीजिए सेल है आपकी, सेल मेम्ब्रेन है, ओके यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल आ रहा है, तो एंडोसाइटोसिस में क्या होगा कि यहाँ पे एक इनवेजाइनेशन होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स आया था ये ट्रैप हो जाएगा। ओके फिर थोड़ी देर बाद ये यहाँ से सेपरेट आउट, पिंच आउट हो गए, ये अंदर को सेल के अंदर अपने टारगेट के पास या जो भी अपने टारगेट तक वो रीच कर जाएंगे। ओके ये एंडोसाइटिस में आप देखने वाले जितने भी प्रोसेस पढ़ेंगे आप, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, केव्युलर इंटरनलाइजेशन, सब में यही होने वाला है। ओके तो सबसे पहले डील करते हैं पिनोसाइटोसिस को। तो मैंने आपको बताया है ये कैसा प्रोसेस है, सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस है। सेल ड्रिंकिंग ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें सॉल्यूट्स के अलावा इसमें फ्लूइड्स भी आते हैं, ऐसे सॉल्यूट जो फ्लूइड के साथ अंदर आएंगे। ओके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी इसके अंदर आएगा। पिनोसाइटोसिस वाज डिस्कवर्ड एंड नेम बाय वॉरन लुइस, ने इसको नेम किया था और उन्होंने ही इसको डिस्कवर किया था। इन दिस प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस फ्लूइड और सॉल्यूट इज बीइंग इनगल्फ थ्रू द इनवेजाइनेशन। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, सब्सटेंसेस है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या हो रहा है, इंटरनाइजेशन होता है, इंटरनलाइजेशन जिसे हम इनवेजाइनेशन बोल रहे हैं, और ये मॉलिक्यूल्स ये जो सॉल्यूट है विद अलोंग द फ्लूइड आपका चला गया है उस स्ट्रक्चर के अंदर। नाउ पिनोसाइटोसिस इज द फॉर्म ऑफ एंडोसाइटोसिस इन्वॉल्विंग ओके फ्लूइड कंटेनिंग मेनी सॉल्यूट इन ह्यूमन। दिस प्रोसेस अकर इन द सेल लाइनिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इज यूज प्राइमरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट ड्रॉपलेट्स। ओके ह्यूमन बींग्स में ये फैट ड्रॉपलेट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर इसको पहले बनाए तो पहले ये मेम्ब्रेन ऐसे और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके नाउ अब इसके एंडोसाइटोसिस होनी है तो ये मेम्ब्रेन इनवेजाइनेट करेगी, मेम्ब्रेन इनवेजाइनेट करी, मॉलिक्यूल गया उसके साथ अलॉन्ग विद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ओके धीरे धीरे ये मेम्ब्रेन अपने आप को फोल्ड करती है और यहाँ से ये अपना सील हो जाएगी और यहाँ से पिंचिंग ऑफ करके बाहर आ जाता है। ओके सेल के अंदर आ जाएगी मतलब। इन एंडोसाइटोसिस द सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड एंड फोल्ड अराउंड द डिजायर्ड एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल फॉर्मिंग अ पाउच दैट पिंच ऑफ क्रिएटिंग एन इंटरनलाइज्ड वेसिकल। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, जो एंडोसाइटोसिस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड करेगी, फोल्ड हो रही है, एक्सटेंड करा अपना, फोल्ड करा ऐसे मटेरियल जो से चाहिए, ये मटेरियल इसके अंदर है, इसका मतलब ये है कि ये डिजायर्ड मटेरियल है, दिस इज डिजायर्ड मटेरियल। तो डिजायर्ड मटेरियल के अराउंड अपना फोल्डिंग करेगी और उसके बाद वहां पे एक छोटा इंटरनल वेसिकल के फॉर्म में बना के या पाउच जैसा बना के वो क्या हो जाती है, पिंच ऑफ हो जाती है, वहां से अलग हो जाती है। द वेसिकल इवेंचुअली फ्यूज विद द लाइसोसोम्स वेयर अपॉन द वेसिकल्स कंटेंट्स आर डाइजेस्टेड। इसके बाद क्या होगा, ये जो वेसिकल यहाँ से बना ये वेसिकल किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, लाइसोसोम्स के पास, और आपको पता है लाइसोसोम्स हैविंग द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, उसके पास हाइड्रोलाइटिंग एंजाइम्स होते हैं, तो इसके अंदर जो वेसिकल के कंपाउंड कंटेंट है वो सब क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। ओके नाउ फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस सेल ईटिंग प्रोसेस। इसको मैटनिकॉफ ने दिया था, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फैगोसाइट ऑफ फैगोसाइटोसिस सेल इनगल्फ लार्ज पार्टिकल सच एज बैक्टीरिया, सेलर डेब्रिस एक्सेट्रा। जो सेल है वो लार्ज पार्टिकल्स को इनगल्फ करेगी। ओके ये पार्टिकल्स एज द पार्टिकल्स दैट इज नीड टू बी फैगोसाइटोइज बिहाइंड बाइंड टू द रिसेप्टर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन, इट ट्रिगर द फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया एंड अराउंड द पार्टिकल्स। होगा क्या, आप अमीबा का देखे हैं ना, अमीबा का न्यूट्रिशन इट इज अ टाइप ऑफ फैगोसाइटोसिस। क्या होता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल आता है या जो फूड आता है तो फिर इसके अराउंड अमीबा अपना सूडोपोडिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाने लग जाता है, उसके बाद ये अंदर ले लेता है, इसके बाद इसका डाइजेशन होगा। ये तो जनरल प्रोसेस है, हम थोड़ी क्लास से पढ़ते हुए आए हैं,
तो सेम यही हो रहा है। तो जैसे कि पार्टिकल्स जो जिसको फेगोसाइटिस होना है वो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे उन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा, और बाइंड करेगा तो सेल को पता चल जाएगा कि बट देयर इज समथिंग दैट इज नीड टू बी फेगोसाइटोस। ठीक है, कोई ऐसी चीज है जिसको फेगोसाइटिस करना जरूरी है, तो वहां पे सूडोपोडिया फॉल्स फीट का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। उसके बाद द मेम्ब्रेन फ्यूज एंड सेपरेट आउट एट अ स्ट्रक्चर कॉल्ड फेगोसोम्स। फेगोसाइटोसिस में जो स्ट्रक्चर बनेगा ये वेसाइकल, इसको हम क्या कहते हैं, फेगो जोम। तो फेगोसोम बन गया। ओके, ये फेगोसोम अगेन फिर किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, लाइसोसोम के साथ, और जो स्ट्रक्चर बनाएगा उसे बोलते हैं फेगो लाइसोसोम, जिसके अंदर जितना भी मटेरियल है वो डाइजेस्ट हो जाएगा बिकॉज विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोमल एसिड हाइड्रोलेज, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं ना उसके। फैगोसाइटिस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में फैगोसाइटिस बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी एक पिक्चर के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगी। मैक्रोफेज, डेंड्रोटिक फेज एंड न्यूट्रोफिल्स, ये ऐसी सेल्स हैं, दे आर नोन एज प्रोफेशनल फैगोसाइट्स। ये प्रोफेशनल किलर सेल्स हैं जो बाहर से आ रही फॉरेन बॉडीज को क्या करेंगी, किल करेंगी ना। लुक एट दिस डायग्राम, सबसे पहले ये वाला देखते हैं। चलिए, ये बैक्टीरियम आया, सेंस हुआ यहाँ पे सूडोपोडिया स्ट्रक्चर जैसे बने। ओके, इसके बाद ये अपना फ्यूज होने लग जाएंगे, फ्यूज हो गए तो यहाँ पे फेगोसोम बन गया, यहाँ पे बन गया फेगोसोम, दिस इज फेगोसोम। ये फेगोसोम किसके साथ जुड़ गया, आपका लाइसोसोम के साथ, तो ये बन गया फेगोलाइसोसोम। उसके बाद इसका डाइजेशन हुआ, अनडाइजेस्टेड फूड एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा इस तरीके से। नाउ हमने अभी बात करी कि हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में फेगोसाइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया है, दीज आर द बैक्टीरियम, ठीक है, जो आपका बॉडी में बाहर से आए हैं। तो ये क्या है आपका मैक्रोफेज, हमने पढ़े थे ना मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल्स और न्यूट्रोफिल्स, दे आर द प्रोफेशनल फेगोसाइट्स। तो मैक्रोफेज क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया से बाइंड करेगा, ये क्या करेंगे, स्ट्रक्चर्स बनाएंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसको इनगल्फ कर लेंगे। ओके, तो एज बैक्टीरियम इनगल्फ बाय मैक्रोफेज, इट इज इनकेस्ड इन अ वैक्यूल, उसे एक वैक्यूल में क्या कर दिया जाता है, बंद जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है। उसके बाद वो जो वैक्यूल है वो किसके साथ फ्यूज कर जाएगा, लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज कर जाता है। ओके, लाइसोसोम्स के साथ जब वो फ्यूज करेगा तो उसमें क्या होता है, वहां पे जब डाइजेशन चल रहा होता है बैक्टीरियम का, तो वहां पे एंटीजन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इन्हीं एंटीजन्स को क्या करती है, सेल अपनी सरफेस पे प्रेजेंट करती है, ताकि आके जो और सेल्स हैं जो इम्यूनो आपका इफेक्ट दिखाएंगी, आपका इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेंगी, वो सेल्स आए इस एंटीजन को पहचाने और इसके अगेंस्ट क्या एंटीबॉडीज बनाने लगते हैं। ओके, इस तरीके से ये आपका इसमें वर्क करता है, डिफेंस मैकेनिज्म। इन द लास्ट वन इज रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस मतलब एक ऐसी एंडोसाइटोसिस नॉर्मल है, जैसा नॉर्मल अभी तक एंडोसाइटोसिस में हो रहा था, इनवेजाइनेशन होगा, उसका पिंचिंग ऑफ होगा, वो लाइसोसोम के साथ फ्यूज करेगा, सब ऐसे होना है, बट देयर विल बी द रिसेप्टर्स दैट विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल। तो रिसेप्टर मेडिएटेड में भी हम मेनली पढ़ने वाले हैं क्लैथरिन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, एक ऐसी एंडोसाइटोसिस जो क्लैथरिन प्रोटीन की हेल्प से हो रहा है। ठीक है, इट इज अ रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, दिस टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस इज स्पेशली फॉर द अपटेक ऑफ स्पेसिफिक मैक्रोमोलिक्यूल्स। कुछ स्पेसिफिक मैक्रोमोलिक्यूल्स के अपटेक के लिए आप क्लैथरिन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस का यूज करते हैं। इन दिस द फर्स्टली मॉलिक्यूल इज बाइंडेड विद द स्पेसिफिक रिसेप्टर एंड दिस रिसेप्टर इज फाउंड इन द रीजन दैट इज कंसेंट्रेटेड विद क्लैथरिन टुवर्ड्स द साइटोसोलिक साइट। ओके, मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ रीजन जो क्लैथरिन प्रोटीन है उससे रिच होगा। मान लीजिए ये वाला रीजन है, ये मैंने मॉलिक्यूल क्लैथरिन बनाया। ओके, तो इस रीजन के अराउंड ही क्या होगी, ये एंडोसाइटोसिस होगी। ओके, नाउ अब क्या होगा, यहाँ पे से कोई मॉलिक्यूल आया तो यहाँ पे कोई रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, सबसे पहले वो इस रिसेप्टर से क्या करेगा, बाइंड करेगा। जैसे ही वो रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ओके, अब होता है क्या है, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, कि रिसेप्टर डायरेक्टली क्लैथरिन मॉलिक्यूल से नहीं बाइंड कर पाता, तो बीच में एक अडेप्टर प्रोटीन आता है। क्या आता है, अडेप्टर प्रोटीन, जो रिसेप्टर से भी बाइंड हो सकता है और दूसरी साइड से क्लैथरिन से। तो रिसेप्टर और क्लैथरिन के बीच में एक कनेक्शन बन गया, राइट, विद द हेल्प ऑफ अडेप्टर मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो जो भी लिगेंड है या कार्गो प्रोटीन है जो आया, ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा ऐसे पोर्शंस में जो कैव्योली से क्लैथरिन मेडिएट, जहां पे क्लैथरिन प्रोटीन्स काफी अच्छे अमाउंट में, जैसे ही रिसेप्टर
सॉरी लिगेंड ये रिसेप्टर से बाइंड करे, यहाँ पे एक एडेप्टर मॉलिक्यूल आएगा जो कि क्लैथरीन के साथ दोनों रिसेप्टर और क्लैथरीन को आपस में बाइंड कर देगा। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे से क्लैथरीन कोटेड वेसाइकल बनेगा इस तरीके से। ओके एक वेसाइकल जो क्लैथरीन से कोट है, ये रिसेप्टर हो गया और ये मॉलिक्यूल हो गया, ये एडेप्टर हो गया इस तरीके से। इसके बाद इसकी पिंचिंग ऑफ हो जाएगी। ओके द वेसिकल ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन टू द लेट एंडोसोम, ये वेसिकल इस प्रोटीन को लेट एंडोसोम के पास ले जाएगा जहाँ पे लाइसिस होगी, और लाइसिस के पास ये जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है ये अपने टारगेट के टूवर्ड्स मूव कर जाएंगे। ओके अब यहाँ पे देखिए आप ये वाला पोर्शन देखो, मान लीजिए दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये वाला रीजन है ऐसा रीजन जो क्लैथरीन में रिच है। ओके क्लैथरीन रिच है तो ये है आपका रिसेप्टर, दिस इज द मॉलिक्यूल जो बाहर से आया है जिसको फेगो एंडोसाइटोसिस होनी है। तो जैसे ये आया क्लैथरीन, क्योंकि अडेप्टर से डायरेक्टली अटैच नहीं हो पाता है तो बीच में कैसा मॉलिक्यूल आएगा, अडेप्टर मॉलिक्यूल आएगा। ओके अब यहाँ पे ये वाली पिक्चर में डायग्राम काफी अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनका क्या होना है, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस और स्पेशली क्लैथरीन, क्लैथरीन उसके थ्रू। ठीक है तो दीज आर द क्लैथरीन, ये क्लैथरीन है, ये एक ऐसा रीजन है जो क्लैथरीन में क्या है रिच है। ओके अब ये मॉलिक्यूल्स रिसेप्टर के साथ यहाँ पे बाइंड कर जाएंगे मान लीजिए। ओके इस तरीके से, इसके बाद इसके बीच में यहाँ पे एडेप्टर भी मॉलिक्यूल आता है क्योंकि रिसेप्टर और क्लैथरीन आपस में कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। ओके इसके बाद इस वेसाइकल, ये एक वेसाइकल जैसा बनाएंगे और इसकी पिंचिंग ऑफ हो जाएगी। ओके अगर और डिटेल में देखते हैं तो ये वाला देखिए, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल आया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो क्लैथरीन में रिच है, ये वाला रीजन। ओके तो रिसेप्टर से मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, इसके बाद इसकी एंडोसाइटोसिस होगी। देखिए ये पिंच यहाँ पे फ्यूजन होने लगा मेम्ब्रेन का और यहाँ पे ये पिंच ऑफ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से क्या होता है कि सबसे पहले ये जो क्लैथरीन प्रोटीन है ये रिमूव होते हैं, तो ये वाले में देखेंगे आप कोई क्लैथरीन प्रोटीन नहीं है। ठीक क्लैथरीन प्रोटीन रिमूव हो जाएंगे, इसके बाद ये इसको बोलते हैं अर्ली एंडोसोम। इसका फ्यूजन होता है लेट एंडोसोम के साथ, मतलब ये लाइसो फ्यूज करेगा और लेट एंडोसोम बनेगा। उसके बाद ये जो मॉलिक्यूल है जो प्रोटीन हमें चाहिए ये तो चल जाएगा लाइसोसोम के अंदर और इसके डाइजेशन होगा और जो भी हमारी रिक्वायरमेंट वाला है वो अपना, या जो सेल का रिक्वायरमेंट है वो अपने टारगेट के पास चला जाएगा, और बाकी ये जो रिसेप्टर है ये वापस चला जाता है, इसका क्या हो जाता है रिसाइकल बैक हो जाता है। देखिए जरूरी नहीं है कि हर केस में ऐसा हो कि जो रिसेप्टर आप सेल से बाहर से ला रहे हैं वो वापस सेल के पास, मतलब सेल सरफेस पे वापस चला जाए, कुछ केसेस होते हैं। इस केस में रिसेप्टर की रिसाइकलिंग हो गई। ओके इस केस में क्या हुआ है, रिसाइकल जो रिसेप्टर है वो रिसाइकल हो गया है वेसाइकल के थ्रू, इसको वापस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टेब्लिश कर लिया जाता है और ये फर्दर यूज के लिए क्या रहता है, तैयार रहता है। ओके देखिए केव्योली मेडिएटेड भी कुछ ऐसा है, केव्योली मेडिएटेड जो एंडोसाइटोसिस होती है उसमें क्या होता है ना, केव लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और वहां पे प्रोटीन केव्योलिन होते हैं। ओके एज द नेम रिफर इन दिस एंडोसाइटोसिस टेक प्लेस बाय फॉर्मिंग अ केव लाइक स्ट्रक्चर, केव लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू होता है, इट इज फॉर्म बाय द इनवेजाइनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑब्वियसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनवेजाइनेशन हो रहा है उसी नॉर्मल एंडोसाइटोसिस में जो भी देखे हम। दिस रीजन इज रिच इन प्रोटीन एंड लिपिड्स, और ये ऐसे रीजन में केव्योली स्ट्रक्चर बनेगा जो प्रोटीन्स और लिपिड्स में क्या है रिच है, और इसमें मेन प्रोटीन है आपका केव्योलिन प्रोटीन, जिसमें यहाँ पे क्लैथरीन नहीं आएगा। ठीक है बिकॉज क्लैथरीन इज नॉट नीडेड, सो इट इज अ क्लैथरीन इंडिपेंडेंट एंडोसाइटोसिस, ऐसी साइटोसिस एंडोसाइटोसिस जिसमें क्लैथरीन का कोई यूज नहीं है। ओके इन दिस फॉर्मेशन केव्योसोम टेक्स प्लेस इंस्टेड ऑफ एंडोसोम, और यहाँ पे एंडोसोम का फॉर्मेशन नहीं होता है, किसका फॉर्मेशन होता है केव्योसोम का। ओके इट इज ऑल्सो प्ले रोल इन सेल सिग्नलिंग, और ये अपना सेल सिग्नलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बार देखते देखिए ये मॉलिक्यूल है जिसको अंदर जाना है, तो ये ऐसा रीजन है जो केविलिन प्रोटीन्स में क्या है रिच है, यहाँ पे इनवेजाइनेशन होगा, इसका बाइंडिंग होगी, ये इसको अंदर ले लेंगे, अंदर लेंगे और उसके बाद इसका जो भी आपका क्या बनेगा केबियोसोम्स बनेगा, और फिर इधर आगे की जो प्रोसेस है मॉलिक्यूल्स को जहाँ पे उसने पहुंचना है वहां पे उसे पहुंचा दिया जाएगा। ओके तो इस तरीके से जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ड्यूरिंग द प्रोसेस, एज अ बैरियर, एज इन ट्रांसपोर्टेशन एंड एंडोसाइटोसिस। इसके अलावा एक और प्रोसेस होता है जिसको हम एक्टोसाइटोसिस बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस को आप सेल वॉमिटिंग भी कहते हैं। जिस रिवर्स होता है किसका, सेल एंडोसाइटोसिस का। सेल एंडोसाइटोसिस में आपने देखा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फोल्ड कर रही है, इनवेजाइनेट हो रही है, मॉलिक्यूल को अपने अंदर ले रही है, वेसाइकल बना रही है, लाइसोसोम से फ्यूज हो रहा है और जो मॉलिक्यूल्स है फिर उसके बाद वो टारगेट में पहुंचेगा। एक्सोसाइटोसिस में जस्ट इसका रिवर्स होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी मान लीजिए यहाँ से एक वेसाइकल में जो जल रही है, ऐसे ऐसे सब्सटेंस है जो सेल के बाहर होने चाहिए। ठीक है
तो ये आएगा आपका, ये इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाके ये इससे क्या हो जाएगा, डिफ्यूज आउट हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज आउट हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से ओपनिंग हो जाएगी, और यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स जो आपको एक्स्ट्रा सेलुलर भेज रहे हैं उसके एग्जोसाइटस सेल अपना वॉमिटिंग कर देगा उस मॉलिक्यूल्स की जो उसको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एग्जोसाइटोसिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस से मेनली हम जो, क्योंकि ये बेसिक लेवल पे है जनरली, से पहले तो नॉर्मली बताया जाता है कि सेल ड्रिंकिंग या सेल ईटिंग दिस टाइप ऑफ प्रोसेसेस, बट आपको मेरे अकॉर्डिंग अगर मतलब मेरे एडवाइस में तो आप लोगों को क्लेथरिन मेडिएटेड और क्रोबियोली मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके नोट्स मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पे आप आज ही अपलोड कर दूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, आप लोगों को इससे हेल्प हुई, तो आप इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी हेल्प करे। और अभी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप फर्ज फॉर गेटिंग द फर्दर नोटिफिकेशन जी सब्सक्राइब इट एंड प्लीज लाइक माई चैनल। थैंक यू।